क्वेश्चन नंबर 27 बी फैक्ट प्रिंसिपल. फैक्ट कह रहा है साहिल अ चाइल्ड ऑफ 10 इयर्स ऑफ एज फाइंड्स अ गोल्ड क्वाइन इज अंकल्स होम. अंकल के होम में 10 साल के बच्चे को एक गोल्ड का क्वाइन मिला. ही गिव्स द क्वाइन टू हिज सिस्टर रचना. उसे अपनी सिस्टर रचना को दिया जो कि 8 साल की है. द अंकल रिपोर्टेड द मैटर टू पुलिस. द पुलिस कंडक्ट अ सर्च. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस फाइंड्स द क्वाइन केप्ट इन द टॉय ऑफ रचना. रचना टेल्स द पुलिस दैट साहिल हैड गिवन द क्वाइन टू हर. समझ आ रहा है आपको स्टोरी पूरी. नाउ मुझे क्या पढ़ना है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कह रहा है एक्ट्स डन बाय चिल्ड्रन बिलो 12 इयर्स ऑफ एज. 12 साल से छोटे बच्चों से कोई भी एक्ट होता है दैट इज नॉट एन ऑफेंस इफ इफ दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट. अगर उनको उसके नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, अगर वो इतने समझदार नहीं है कि उन्हें ये पता चल जाए कि वो चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे एक्ट को हम उनको ऑफेंस नहीं मानते. आप दोबारा से एक बार स्टोरी पढ़ते हैं. स्टोरी मुझे कह रहा था कि साहिल ने गोल्ड कॉइन लिया, रचना को दिया. जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन मिला तो रचना को, रचना के पास से कॉइन मिला. रचना ने ये बोला कि मुझे ये कॉइन साहिल ने दिया है. एक साहिल 10 साल का है, रचना 8 साल की है. ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑप्शन कह रहा है साहिल इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, रचना इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, बोथ साहिल एंड रचना इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, नीदर साहिल नॉर रचना इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट. तो बेटा प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे साफ बात पता चल रही है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं दोनों, नो ऑफेंस. लेकिन मुझे जो जज करना है वो ये है, क्या दे वर मैच्योर इनफ, वर दे मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्ट और नॉट. यस दे वर नॉट, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं बताया कि साहिल ने उसे कहा था कि तू किसी को मत बताइयो, या फिर ये मैं चोरी कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी. बोथ ऑफ देम डोंट नो दैट दे वर डूइंग समथिंग डिसऑनेस्ट और देर वॉज एनी थिंग विच कुड टेल देम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्ट. इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द फैक्ट. Hence, the correct answer is option D. Neither Sahil nor Rachna is guilty of theft. समझ आ रहा है आपको? बहुत सिंपल है. सिर्फ प्रिंसिपल के हिसाब से चलो, दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस प्रिंसिपल के हिसाब से चलो. ठीक है, सो ये था हमारा फैक्ट्री प्रिंसिपल का क्वेश्चन.